23 अगस्त 2017 शुरुआत हुई वन टेक की, वन ऑफ पाकिस्तान्स फर्स्ट डिजिटल टॉक शोज। 25 एपिसोड्स, 5 मिलियन व्यूज, ढेर सारा प्यार और एक छोटी सी ब्रेक। बट आई एम बैक, यस आई एम बैक टू डूइंग व्हाट आई डू बेस्ट, दिस टाइम अपनी प्रोडक्शन, एंड सब कुछ इंशाल्लाह होगा बिगर, बेटर, ग्रैंडर और बहुत मसालेदार। इट्स टाइम नाउ द मुंशी शो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी, आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड एंड दिस इज द मुंशी शो। आज हमारी पहली एपिसोड है, बहुत एक्साइटेड हूं और थोड़ा सा नर्वस भी, बिकॉज आई एम डूइंग दिस आफ्टर क्वाइट सम टाइम, बट इट फील्स ग्रेट टू बी बैक, इट फील्स ग्रेट टू बी बैक ऑन कैमरा। लेकिन टाइम जाया किए बगैर लेट्स मूव टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड के इंट्रोडक्शंस। माय फर्स्ट गेस्ट इज अ वेरी टैलेंटेड एंड वर्सटाइल एक्ट्रेस, एम्फेसिस ऑन वर्सटाइल, क्योंकि इनकी जर्नी फ्रॉम द सीधी सादी बेटी ऑफ टेलीविजन टू द सुपर हॉट फैशन डीवा ऑन द सिल्वर स्क्रीन इज एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग। इनकी डेब्यू फिल्म लास्ट ईयर आई और उसने क्रिटिकल एक्लेम तो पाया ही, बट उसने बॉक्स ऑफिस को आग लगा दी। नाउ शी इज बैक विद हर सेकंड फिल्म, प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटिफुल एंड माई पर्सनल फेवरेट माया अली। My second guest is another absolute favorite. एक actor है, एक producer है, and he's a gem of a person. Although he may not have been a part of the best films recently, but he has learned his lessons and he's coming back bigger, better, stronger to prove all the naysayers wrong in what seems to be the grandest film Pakistan has ever produced, and also one of the most eagerly awaited films of the year. This film is all set to put him right at the top where he belongs. Please welcome the very handsome Sheheryar Munawar. Welcome to the show, guys. Thank you so much for coming for the very first episode of the Munshi Show. Oh, really? Yes. Is it first? Yes. We're on the first episode? Yes. The debut episode. Aapka special people. How are you going to hit? So before I get to absolutely anything, I must say that you two look beautiful on screen. And I just was wondering if you two would make beautiful babies. ये केमिस्ट्री जो है आप दोनों की, कहाँ से आती है केमिस्ट्री यार? क्या आसन ये डाल दिया? नहीं, honestly. आसन ने कहा, please दोस्त बन जाओ, खुदा के वास्ते सबसे पहले दोस्त बन जाओ। फिर हमने हमारी पहले दोस्ती नहीं थी ना? हाँ, ये भी बताना पड़ेगा। अच्छा। आप तो बड़े मजे से बताएंगे ये बात। बिल्कुल नहीं। खतरनाक औरत है ये। वैसे whose idea was it to cast Maya in the film? अभी आप मेरी दोस्त है। अभी मेरी आप दोस्त हैं। So Maya को cast करने का idea किसका था? I thought you were the producer, you had this say, you know. I always wanted to work with Maya. मैंने ये I've said it multiple times. Round about I think 2017 I was promoting a film that will. You were a crush on Maya, if I'm not wrong. No, no, no. You were a crush on Sheheryar. He liked you as an actress. No, I. कहाँ से खबरें आती हैं? मुझे भी वो रिपोर्टर चाहिए. No, I'll be honest. 2017 I did. I मुझसे एक सवाल पूछा था एक इंटरव्यू में. This is exactly 2017 I remember, July or sometime like that. And somebody asked me this question and they said if you had a celebrity crush, and पहले मैंने उसको मैनूवर करने की कोशिश की. मैंने कहा कि कहीं से भी हो सकता है. मैंने कहा नहीं. It has to be within the industry, and I said, "Bahut soch ke," and I said Maya, because I think I would really like to work with her. अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब ये तीसरी फिल्म बनाएंगे as a producer, तो ये किसका नाम ले रहे हैं promotions में ताकि इनकी वो next heroine होगी? But you guys have a beautiful chemistry in the film. एक dialogue आता है trailer में कि एक-एक करके तारे रोशन होते हैं. So why not we have? एक-एक करके हो जाते हैं तारे रोशन. Why don't we have you to say that to each other? आंखों में आंखें डाल के on camera. आंखों में आंखें डाल. बिल्कुल. Oh my god. अब now you can see. वो तो आपको पता है. वो तो हमने film में भी नहीं डाली थी आंखों में इस dialogue पे. तो यहाँ पे कर लेते हैं ना. हम लोग इधर-उधर देख रहे हैं. इधर-उधर देख रहे हैं. Action. आंखों में आंखें डाल के शेहर यार, you have to tell. कैमरा की आंखों में. कैमरे में डालो. ये केमिस्ट्री अभी आप देखिएगा. टाइम पे डालेंगे ना, सही टाइम पे. 3, 2, 1, एक्शन. एक एक करके हो जाते हैं तारे रोशन. मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं. Now I'm impressed. वाह 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 वाह, केमिस्ट्री ऑन क्यू. अच्छा, बट माया ऑनेस्टली ये तो ऑन स्क्रीन वाला प्यार है. हां, ऑफ स्क्रीन मुझे इनसे ज्यादा प्यार है. हु इज द असली असली शरियार ऑफ मायाज लाइफ? मेरा असली शरियार ऑफ मायाज लाइफ मेरा काम. सो योर कैरेक्टर. आई लाइक कि आपकी लाइफ में भी जो आएगा उसका नाम यस टू बी एज योर कैरेक्टर नेम एज वेल, राइट? या, शेयर इज माय कैरेक्टर नेम. सो कौन है? माया से पूछिए, आप सानिया से पूछ रहे हैं? मैं अभी माया से पूछ रहा हूं. नहीं, अब सो बिलाल का कोई सीन नहीं था, वो एक
बिलाल बिलाल खान खुदा का खौफ खाएं आप प्लीज। हाँ ये क्या सीन था भाई मुझे बता। I don't know, बिलाल मेरी कजन की शादी पर आए थे और उसके बाद बहुत जगह भी साथ मिलकर उन्होंने व्लॉग्स भी बनाए काफी व्लॉग्स बनाए इवेंट्स पे गए हाथों में हाथ पकड़ कर माया एक व्लॉग बनाती है तो वो एक हफ्ता चलता है छह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे नजर आता है क्या हाथों में हाथ ये मैंने नहीं देखा हाथों में हाथ ये तो मुझे भी नहीं पता था मुंशी ये कब हुआ बट नहीं हुआ था नो वे मुंशी के पास सारी डिटेल्स होती है कोई देखे ना देखे मुंशी तो देखता है गुड फ्रेंड्स हैं हाँ एक्चुअली जब मुझे मैं मेरी आदत है वैसे कि जब मुझे किसी का काम अच्छा लगता है तो मैं उनकी तारीफ जरूर करती हूँ बट का काम क्या था मूविंग ऑन व्हाट्स हैशटैग डैडू आइज़ और दादू आइज़ इन योर इंस्टाग्राम फोटोज यार पर्सनल दादू वालों की आंखें आई नो व्हाट दादू दादू आइज़ नॉट दादू आइज़ दादू आइज़ हु इज दादू आइज़ मैं किसी को कहती थी कहती हूँ कि उसकी आंखें बहुत मोटी मोटी है ना हाई प्रोटीन डाइट पे डाला हुआ आंखों को बड़ी लीन आंखें मेरी ओके श्रेयार ऑब्वियसली यू नो वी हैव सीन काफी सारे लाइव चैट्स में लोगों ने शादी की बात पूछी आपने यू नो अवॉइडेड दैट क्वेश्चन वेरी केयरफुली तो शादी क्या है पीपल वांट टू नो मोमिन अभी मैं हंसता खेलता आपको अच्छा नहीं लग रहा ऐसी बिल्कुल बात नहीं है आई बिलीव दैट मैं अपने कैरेक्टर से नहीं बाहर निकला शेरियार शेरियार से बाहर नहीं निकला शेरियार ऑन स्क्रीन नो बट आई नॉट एनी टाइम सून बिकॉज आई थिंक दैट शादी से पहले यू वन शुड रियली गेट टू नो द पार्टनर इन एंड आउट बिकॉज इट इज अ वेरी लॉन्ग कमिटमेंट And especially in today's day. Oh my God. And I believe in the commitment. लग रहा है मोमिन के मैं फिल्म वाले शेहरयार की बात सुन रही हूँ। I do believe commitment. I think इन्होंने अपने ऊपर ही apply कर लिया। मैं कह रहा हूँ I believe in the commitment भाई। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि time देना चाहिए। Okay, so you know, Mahira was supposed to do this film and then Maya came on board. Like कभी कोई story share नहीं हुई कि what exactly went wrong, क्या हुआ, how did Maya come, लड़ाई थी, कैसे sign किया, क्या हुआ? मैं आसिम के साथ add करने गई थी लक्स का। तो जो मेरा मायरा का और जो रीमा जी का ऐड था तो उसमें हम लोग बैठे हुए थे यार भी था साथ में आई एम नॉट रॉन्ग नो 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 उसमें नहीं तो उससे पहले वाले में थे तो उसके बाद वाले में थे तो मैंने आसिम ने मुझे कहा तुम्हारे पास डेट्स हैं तो मैंने कहा आसिम कहाँ तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ और साइन करने के लिए कराची गई थी बाय द वे तो आसिम ने कहा ये डेट्स है मैंने कहा हाँ तो बस उसके बाद आई थिंक मेरे जब डेट्स का पता चला तो शहरयार आए और शहरयार साहब मैंने कहा ओ नो ये टच नहीं करिए मुके मारी है मुझे ये इसका तरीका होता है ये इसका तरीका होता है टच करने के चक्कर में ये मुझे धमकी देने का तरीका होता है माशाल्लाह ये फुल जटन इसका हाथ का जो वजन है ना पंजाबी क्या बात है सच्ची सही बात है सही बात है सही ताकत वाली एंड सो एनी वे सो वट हैपन वॉज के ये बात हो रही है 2014 की 2014 की बात है ना 2014 में हमने कवर किया था कवर शूट था एक मैगजीन के लिए हेलो का कवर शूट था उसमें चार लोग थे चार लोग थे मावरा एंड बिलाल उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फोन कॉल भी थी जो कि इन्होंने मुझे की थी This is very interesting. मजाक कर रहा हूँ 2014 से फ्लैश फास्ट फॉरवर्ड करते हैं शूट पे क्या हुआ शूट पे क्या हुआ सो 2014 में हमारी शूट थी हेलो की एंड उस दिन इनका मूड खराब था मुझे बैक स्टोरी पता नहीं थी बाय द वे हेलो पे जब हमारा शूट हो रहा था गाइस इसकी भी एक बैक स्टोरी है कि मेंशन की बात नहीं करी थी आई होप इसकी कोई बैक स्टोरी नहीं है एक सेंटेंस में बता दे क्या हुआ इसकी कोई बैक स्टोरी नहीं है ठीक है हम टू द मैं 2013 की फोन कॉल के बारे में बताऊं ठीक है एनीवे सो 2014 में 2000 याद तक नहीं थी फिल्म की शूट पे उन्होंने मुझे बताया तुमने मुझे एक दफा कॉल एंड कहा था इनका ड्रामा जो था आसमानों पे लिखा अभी भी मैंने आपको बोला कि जब मुझे किसी का काम अच्छा लगता है तो मैं सजल के साथ काम कर रही थी एक प्रोजेक्ट पे तो सजल को मैंने कहा कि सजल तुम लोगों का बड़ा अच्छा ड्रामा है ये वो से मैं बात करवा देती हूँ मैं कहा हाँ और मैंने इनकी फिल्म की तारीफ बोली अब वो तारीफ मुझे 6 साल के बाद तक सुननी पड़ी अच्छा ठीक है हाँ जरूर ठीक है चले हम माया के वर्जन का चलते हैं उसके बाद 2014 में जब हमने वो कवर किया तो इनका मूड था खराब मैंने कहा कि मैं आपसे किसी वजह से मैं हालात ठीक करता हूँ और मैं जैसे जैसे बनता हूँ तो मैंने कहा मैं जेस्टर बन जाता हूँ तो मैं यू नो आई वाज आई वेंट एंड आई वेंट ऑन माय
मैंने पहले इनसे बात करने की कोशिश की, इनका मूड खराब ही रहा, मैंने की थोड़ी टांग खींची, मूड खराब और टांग खींची, और मैंने इनकी सोचे मोमेंट आप सोचे एक मेरा मूड खराब देखिए मैंने शेहरयार लेकिन आपको पता ना मैं डर रही थी उस टाइम पे मैं आपसे मैंने इनकी थोड़ी सी टांग मैंने इनकी थोड़ी सी टांग खींची और जब मैंने इनकी टांग खींची सबके सामने आई रिमेंबर और सबके सामने आवरा एंड बिलाल एंड बिलाल लाइक इट वाज ऑल फन एंड गेम्स इन्होंने टर्न करके जो मुझे लुक कराई और लुक के बाद बोला शेहरयार हर चीज मजाक नहीं होती है गाइस अब आपको पता चला कि मैं हर एक के साथ फ्री नहीं होती सो जब इन्होंने मुझे ये बोला तो उस दिन के बाद मुझे समझ आ गया कि बेटा ये तो डेंजरस इनसे रहना है मतलब नाउ योर बेस्ट फ्रेंड्स नाउ मैंने रुक जाए ना सो दैट हैपेंड और उसके बाद फिर काफी दिन गुजरे फास्ट फॉरवर्ड वी गो टू वोग शूट वोग इंडिया की शूट हुई थी उस पर हम सारे आए थे देयर वाज फाद मुस्तफा इज माय सेल्फ एक बड़ी फेमस पिक्चर है जिसमें मैं खुद सेल्फी ले रहा था और ये खुद ही आ गई थी अंदर उसमें तो आप चाहते हैं कि मैं बोल दूं मोमेंट के शो पे अच्छा बोल दे माया बोल अच्छा एनीवे ना हेलो के शूट अच्छा रुक जाए ना हेलो के शूट पे अच्छा चले बात कर रहे थे मुझे प्लीज खुदा के वास्ते बोलने दिया करें कभी कभार मुझे सो मैंने बिल्कुल किनारा का शो गया मैं और मैंने कहा इनसे दूर रहना है वो की शूट हमारी निकल गई हम दोनों को कोई मेमोरीज भी याद नहीं है बिकॉज आई थिंक बोथ ऑफ अस केप्ट दैट डिस्टेंस ऑन दैट शूट उसके बाद फिर एक मैंने एक फोटो शूट की थी और उस फोटो शूट के बाद उन्होंने मुझे एक मैसेज किया बहुत स्वीट उससे पहले हमने ऐड किया अच्छा उससे पहले ऐड किया था अच्छा एनीवे सो उसके बाद फिर हमने एक लक्स का ऐड किया साथ हमने कट शॉट यू हैड लाइक इस तरह हमने लक्स का ऐड किया लक्स फ्रेंड्स लक्स के ऐड पे मैं आया तो ये मेरे पास आई मैं मॉनिटर पे बैठा था और मैं बिल्कुल मुंह उधर करके बैठा हुआ था कि मैं देखूंगा भी नहीं फिल्म तो यहां चल रही थी ऑफ कैमरा मैं आपको बताती हूं अब आप देखें कि हमारे एक्सपीरियंसेस जो भी थे अब एक लड़का मतलब मैं देख कर आई हूं मेरी कहानी आगे नहीं आने दे रही बट 5 साल की केमिस्ट्री है दोनों देख लो मेरी बात बताती हूं मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी ले ले मुझसे लक्स का ऐड है अब उसमें इनके कितने शॉट्स थे माशाल्लाह कुल मिला के 3 शॉट्स थे 3 शॉट्स थे अब मैं इनसे कह रही हूं इसके बाद एंड में लगे दो आई यू ओके आपको कुछ हुआ है आज के आप बात नहीं कर रहे तो इन्होंने कहा कि ओह माया मैं कैरेक्टर में हूं और मेरी हंसी निकल गई कि 3 शॉट्स के लिए क्या कुछ बात ऐसी बात है मैं मॉनिटर पे बैठा था मैं बात ही नहीं कर था मैं उधर देख रहा था बिकॉज उस ऐड पे मैं एडी भी था और प्रोड्यूसर भी देखे जा रही थी अच्छा इनको पता नहीं था कि कैमरा इनके ऊपर है और ये देखे जा रही हूँ मॉनिटर पे देख रहा हूँ कि एक शख्स मुझे देख रहा है और मैं देख रहा हूँ मैं भी कह रहा हूँ ठीक है आज तो सख्त लौंडा लिफ्ट ही नहीं कराएगा ठीक है अच्छा उसके बाद ये देख के हंसे जा रही राइट फिर आप कैसे लिफ्ट करवा सकते थे अच्छा उस प्रेशर बहुत था क्योंकि हम 3 लड़कियां थी और हां 3 लड़कियां थी आप और तो सो मैं सख्त लौंडा मैंने फुल कोई ना देखा भी नहीं ये आती हैं मेरे पास उसके बाद आके बैठती हैं सीधे हंसते हंसते ना कहती हैं शेहरयार और अब हम एक दूसरे को देख रहे नहीं हम दोनों उस तरफ देख रहे हैं मैं मॉनिटर की तरफ देख रहा हूँ उधर देख रही है शेहरयार क्या हुआ आपका मूड खराब मूड क्यों खराब होगा ऐसे कैसे किया मैंने बिल्कुल भी नहीं खराब तो कहती हैं आप शेहरयार नहीं है मैंने कहा हाँ वो मैं कैरेक्टर में हूँ कैरेक्टर में हूँ मैं तो कहती है 3 शॉट्स के लिए ये करना था डायलॉग भी कौन था ये करना था कौन सा कैरेक्टर था मुझे उस सेट पे हमारी थोड़ी सी बातचीत हुई ठीक है एंड देन आई वुड से दैट उसके कुछ महीने बाद एक शूट आई जिसके बाद माया वाज काइंड इनफ कि उसने एक स्क्रीन ग्रैब मुझे भेजा फिर आपको बोला ना मैं करती हूं जिसका काम इन्होंने स्क्रीन ग्रैब भेजा मुझे और कहा कि शेहरयार दिस इज अ वंडरफुल शॉट यू हैव डन अ गुड जॉब ठीक है तो पेट्रोनाइजिंग ऊपर से ना कि माया माई ने बोला कि मैं हाथ रखती हूँ आपके ऊपर आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थैंक यू अच्छा मैंने कहा थैंक यू उसके बाद कट शॉर्ट उसके बाद फिर मेरा वो इंटरव्यू हुआ जिसपे मैंने बोला कि मैंने बोला कि माया घूम फिर के अच्छा बट हमें होना चाहिए लक्स टू लक्स की कहानी क्योंकि उसके बाद फिर अगली मुलाकात हमारी फिर लक्स पे हुई जो उनका लक्स था और मैं आई वाज जस्ट पीफा वाला लक्स या बिहाइंड द कैमरा वाला मैं आई वाज वर्किंग वहां पे उस दिन हम मेरी पहली दफा इनके मैनेजर से बात हुई टू गेट हर ऑन बोर्ड द फिल्म और हमारी कोई मुलाकात कोई कितनी मुलाकातें करनी थी और बिल्कुल नहीं हुई मतलब हम लोग कराची में होते हैं तो हमारे तो कुछ कभी नहीं मेरी उसमें बर्थडे आई थी इन्होंने एक बहुत फॉर्मल मैसेज किया मुझे इनकी बर्थडे मुझे मजबूरन करना पड़ा क्योंकि इनकी बाद में आती है बाद में आने वाली नहीं नहीं पता नहीं कब होने होगा दिस लाइक अ लव स्टोरी इन इटसेल्फ पता है दिस नोक जोक बॉय मीट्स गर्ल दिस ऑनेस्टली असल में उसका हाथ बोल ही सेज दिस शी सेज दिस एंड देन बट एक्चुअली उसके बाद हमारी दोस्ती जो एक्चुअली रिहर्सल्स पे हुई अच्छा हम पास्ट कितनी बात कर रहे हैं अच्छा हम पास्ट कितनी बात कर रहे हैं एट वन पॉइंट इन टाइम यू वर सपोज्ड टू बी इन सुपरस्टार लाइक एजेस अगो
So what happened? क्या हुआ? सदियाँ पहले की पुरानी है ये कह रहा हूँ. Moment, बहुत आपकी पुरानी deep research है. तो ऐसे पूछते हैं, honestly that even I know, I met Azan years ago, so we discussed this, मुझे याद है. No, I think this when the story started, Azan और मैं मिलना शुरू हुआ. It was you and Suhai initially, if I'm not yeah, so it started like that. It was a very interesting. जब हम बैठते भी थे, हमने उसकी readings करना शुरू की थी. उस वक्त वो जो story थी, वो it was just an idea on paper. True. And I remember that Azan, the way he started off with it was कि मैं और सुहाई और वो बिल के बस बैठते थे. और वो एक प्रेमिस whose line is it anyway की तरह एक प्रेमिस रख के हम कॉन्वर्सेशन शुरू करते थे मैं और सोहा. तो वो उसको लिखना शुरू करता था और उसके बाद फिर वो कॉन्वर्सेशन लिख के पेपर पे लिखता रहता था सुनता रहता था. उसके बाद वो दो दिन गायब हो जाता था और वो बीच चला जाता था और बीच से फिर वापस आता तो एक सीन लिख के आता था. अच्छा बोलता हूँ. सो उस तरीके से था. एंड आई रिमेंबर एट दैट टाइम मेरी और माहिरा की शूट हो रही थी होमन जहां की. अच्छा, इतनी ये इतनी पुरानी बात है. ये बहुत पुरानी बात है. Okay, it's all in history now. Yeah. हो गया. So at that time I was looking into what are the my next scripts जिस पर मैंने उठानी है. So मैंने I remember even now कि मेरी और माहिरा की पहली दफ़ा बात क्या हुई थी. जब मैं माहिरा से मिला था तो माहिरा ने कहा था अच्छा क्या चल रहा है क्या. जब हमारी शूट चल रही थी मैंने कहा यार ये एक स्क्रिप्ट है अजान है. एंड शी सेड अच्छा अजान तो इज वेरी यंग. मैंने कहा हाँ. अच्छा सबसे मजे की बात है पहली दफ़ा मेरी और माहिरा की मुलाकात भी अजान के साथ हुई थी. बिकॉज अजान इवन बिफोर दैट वाज वांटिंग टू मेक अ फिल्म जिसके लिए उसने मुझे और माहिरा को बुलाया था. सुपरस्टार नहीं इवन बिफोर सुपरस्टार इवन बिफोर होमन जहां अजान पैदा हुआ था उन्होंने कैमरा. सो बट आई गेस इतनी कोशिशों के बाद जाके फिर कुछ आप कर सकते हो. सो एनी वे जब मैं माहिरा से मिला तो मैंने उससे बताया यार ये किस तरह की फिल्म है. उस वक्त उसका नाम सुपरस्टार फाइनल नहीं हुआ था. और मैंने कहा ये थिएटर पे कुछ थी. हाँ मैंने कहा ये एक स्क्रिप्ट है बहुत मज़े की लग रही है मुझे और इस तरीके से हम लिख रहे हैं इसको और हम साथ बैठ के ऐसे ऐसे करते हैं. अच्छा इंटरेस्टिंग है ये वगैरह. एंड हैज लक वुड हैव इट टुडे शी इज डन इट. या बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज इट एक्सचेंज हैंड्स बहुत सो इट सो मेनी हैंड्स. या सो व्हेन इट वेंट टू एआरवाई तब भी था मैं. उसके बाद फिर उर्दू वन पे गई. जो होते 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 यू वर आल्सो सपोज्ड टू बी इन एन इंडियन फिल्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद करीना कपूर वी डिड द वेडिंग राइट. अच्छे के लिए होता जो आई गेस अगेन मैं नाम नहीं लूंगा बट या मल्टीपल टाइम्स आई गेस व्हाट दे डू इज दैट इट्स अ गुड वे टू रीच आउट. टू थ्री टाइम्स देयर बीन डिफरेंट थिंग्स दैट दे रीच आउट. बट मेरा स्टांस इस पे सिर्फ ये है कि आई वोंट नेम प्रोजेक्ट्स और एनीथिंग. इट्स जस्ट दैट वी गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट एज एक्टर्स इन पाकिस्तान. ठीक है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ स्क्रिप्ट इन टर्म्स ऑफ सर्टेन वे ऑफ बीइंग डीलिंग विद अस. मुझे और कुछ नहीं है. मुझे सिर्फ ये है कि मेरी रिक्वायरमेंट्स जो मेरी यहाँ पे है वो भी मेरी हर जगह पे हों. I need to be fair. So if I'm satisfied as an actor wherever I am, I'll be happy to do it. I feel there's certain places that I wasn't satisfied as an actor. So I didn't go through with it. Veeray the Wedding is something that I guess it started off. Uske baad phir mere baad it went to two three other people as well in the industry. Danish Tamur, Feroz Khan, pata nahi kaun kaun. But before that, you know, there were a few projects before that. Lots of projects. You were supposed to do a film with Akshay Kumar as well, right? Mujhe pata nahi. You went to India also for that, hai na? Audition hua tha, kuch pata nahi then. Audition hua. Phir kya hua phir? Phir kuch nahi khatam hogi kahani. Latifa tab bula gayi. वैसे actually जब ये खत्म हुआ सिलसिला सारा तो उसके बाद लतीफा मुझे ऑफर हो गई थी. वो कृति वाली फिल्म कौन सी थी? कोई भी नहीं थी. तो उसके बाद कौन सी? नहीं मैंने बताई थी तुम्हें अभी जो नहीं आई है राप्ता. या सो दे रीच आउट फॉर राप्ता एज़ वेल. वाह. एंड बट नहीं जज किस्मत में जो लिखा था वो ना होता है. बहुत सी फिल्म्स आती हैं बहुत लोग आती हैं नहीं होती हैं. आई थिंक जो होता अच्छे के लिए होता है. मैंने जब तीफा की तो मुझे नहीं लगता कि तीफा से बड़ी चीज मैं कर सकती थी पाकिस्तान में. अली जफर साथ में हो बिल्कुल. अच्छा बट मूविंग ऑन तीफा आई मीन वेरी ऑनेस्ट वेरी ब्लंट हियर तीफा वाज द सोलो हीरोइन फिल्म. ठीक है यू एंड अली पूरी फिल्म आप पर थी. But Parey Hut Love में there's an ensemble cast, there's Zara, there's Rishi, there's a gazillion cameos. और कहीं ना कहीं कभी लगा कि यार थोड़ी insecurity, कुछ कभी लगा यार ये frame कैसे मुझे लगा ऐसे. एक सेकंड राब्ता तुम्हें भी ऑफर हुई थी? नहीं आपकी बात. अब वहाँ पर से भी. नहीं मुझे जान. I can't believe. Because that would have been. No, but that would have been awesome because वो फिर हमारी पहली फिल्म होती है. So Robert Rapta as well. No, I think हमारी Parey Hut Love पहली फिल्म और बहुत अच्छी. अच्छा, but moving on, the question I asked you, यहाँ पे एक ensemble cast है, तो कभी हुआ कुछ ऐसा feel हुआ थोड़ा बहुत? नहीं, मुझे कभी कभी भी नहीं. जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी तभी मुझे पता था कितने ज्यादा कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के और हर एक कैरेक्टर की अपनी. As a viewer, what I felt was कि एक पल में मीरा stole the show. हाँ, and then in बहकाना. ऐसा नहीं है वो एक्चुअली मीरा जी
का ही मैं से भी कहती हूँ गाना उन्हीं के लिए था, फिर इवन हमारा जो आएगा अभी ड्रामेटिक इंपैक्ट के लिए कैमरा में देखा, बोले हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हाय दिल बेचारा जो था उसमें सोनिया जहाँ मतलब मुझे लगता है कि फिल्म अगर मैं कर रही हूँ वो मेरी फिल्म है, फिर चाहे मैं उसमें ये कर रही हूँ चाहे मैं उसमें ये कर रही हूँ, तो आप जबकि मैं इनसे कई बातों पे मेरी इनसे बहस भी हुई थी कि ऐसा है ऐसा हो सकता है ये हो सकता है, पर एट द एंड ऑफ द डे फिल्म तो मेरी है। Parey Hut Love is a grand film, you can tell ke budget bahut bada hai iske liye. Moment I'm surprised you didn't pick up on this. Hai Dil is very cathartic because that is वो लड़कों की आवाज़ है, वो मेरे दिल की आवाज़ है, वो मेरे कैरेक्टर की है, एंड बलमा भगोड़ा उसका जवाब है। वो तो पूरे गाने में एक स्टोरी नोटिस की है मैंने कि मिले, फिर बहकाना, फिर Have you seen this? So that's what we tried to do. फिर वो शहबाज आ गया, and then he was sad, and then एक स्टोरी चली है, वो तो नोट किया मैंने। और इवन सुपरस्टार ने भी कोशिश की वो थोड़ा सा करने की, मिले हैं इसलिए मोमेंट की तारीफ बनती है और हम लोग करते हैं इस बारे में कि जो चीज़ है आप नोटिस करते हैं वो कोई नहीं करता। ये शुक्रिया, ये प्रोमो में जाएगा। But honestly, Parey Hut Love is a grand film, ठीक है, budget वगैरह सब कुछ। So as a producer, what's your strategy? Because obviously हमारी industry बहुत छोटी है, market बहुत छोटी है, recovery बहुत मुश्किल है, and I'm assuming 15 crore से ऊपर की film है, to be very, you know, like देखिए numbers की बात नहीं करते हैं, मतलब बहुत roughly कह रहा हूँ मैं, जो जो मेरे पास investors के पास था सब कुछ लगा दिया moment, तो इसने सब कुछ लगा दिया। मुझे रीमा याद आ गया, रीमा ने कहा था मैंने अपनी गाड़ी बेच दी, अपना घर बेच दिया, उस जमाने में यही हालात होते हैं, वैसे प्रोड्यूसर के प्रोड्यूसर के यही हालात होते हैं। नो बट रिकवरी का क्या सीन है? Yeah, to be honest, moment mere ispe meri ispe ek simple approach hai. I believe in cinema in Pakistan, I believe in the industry in Pakistan. No industry starts off big, you have to take steps, there are certain things that you do that will help build an industry. Jab aap ek apne business project pe bhi ROIs dekhte hain to aap 3 saal ya 4 saal ya 5 saal aap ek cement factory lagaoge to uska ROI pehle saal pe nahi hota, 5 saal baad hota hai. So just like that with this project, the idea is that every project has a different KPI. This project has a different KPI. The idea is to put us out there in the international market as well. That's one of the most important KPIs for this. That's how India expanded their industry. When they started making products for the NRIs as well, for the international market as well. So one of those KPIs, inshallah, if everything goes well, to put Pakistani culture in such a way that we can attract the international audiences as well. That's one of the KPIs. The other thing is, I've seen log hamesha kehte hain ki nahi ye bewakoofi hai, iska chahiye. I feel jab bhi aapne acha product diya hai, aapki audience ne respond kiya hai. Spot on. Okay, so Maya, you look super hot in Balma Pagoda. I'm loving the look. But yaar itni patli ho gayi ho ki udhar Bilal ne abs bana liye, Ali Rehman bhi itna sa ho gaya hai. Hum mot log mar jayenge, like what's this yaar? Why itni Moment. Tum are you referring to my tondi? Kehta hai apni baat ki hai. Kehta hai mujhe dekh ke kehta hai hum mote log. इसने ऐसे जो कह रहा बात कर रही थी, पतली हो गई हम मोटे लोग, हमने भी अपने हीरो को दिखाया है फिल्म में, अभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमने भी अपने हीरो को दिखाया। अच्छा ये भी मुझसे एक सवाल था आगे जाके मेरा, कि मैं उसके बाद बात नहीं थी, अभी मुझे बताना कि शहरयार, इन ऑल योर इंटरव्यूज आई हैव नोटिस, या तो एक सूट पहना होता आपने या आपके इतने बटन खुले होते हैं, ये बटन कौन खोलता है आपके शर्ट के लिए हर इंटरव्यू से पहले, हर प्रमोशनल सब बता दो मुझे आपको शर्ट पहनते हैं करते हैं नहीं, आई मीन इट्स जस्ट कैजुअल, आई थिंक जब मैं कैजुअल जाता हूँ तो आई लाइक टू बी, देखिए आज मैं आपके लिए बंद करके आया हूँ, मोमेंट क्या देख रहा है तू, क्या देख रहा है, घर में भाई बाप नहीं है, सो मैं बटन बंद करके आया हूँ। निकलेगा इसको फिर से कर देते हैं, मोमेंट आप क्या देख रहे हैं, मैं तो कुछ ये भी लगेगा नहीं है, सो नहीं मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने कहा था ना मोमेंट वो चीज़ें नोटिस करते हैं जो बाकी लोग नोटिस नहीं करते, बारीकी बात है, बहुत दफा देखा है कि बटन करते 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 चलिए ज़्यादा हो गए, मूविंग ऑन वापस जाने लग गए हैं, बट हम बात करते हैं बिलाल अशरफ के एप्स के बारे में, बट यू नो द ओरिजिनल सिक्स पैक एप गाय इज सिटिंग विद अस, इट्स शेहर मुनव्वर, वो फिल्म आनी थी कमबख्त, उसमें एक ये दिखाएं मुझे बाप प्लीज, इसको देखना बस, ओह नो ये आई वाज अ किड, ये हम यूट्यूब पे मिले थे हमें, तो शहरयार यू आर द ओजी डूड, असल में ओजी, प्राउड ऑफ इट कि ओरिजिनल गैंगस्टर तो मैं था, मैंने शुरू किया ये सब कुछ, अब तो मुझे कब कॉपी कर रहे हैं, नो बट पता है अभी भी बहुत है ये जिम जाना, हाँ, जब टाइम मिले हम लोग टर्की में गए थे तो वहाँ पे आप पूरा दिन शूट करते रहते हैं और शूट करने के बाद हिम्मत नहीं होती कि आप कहीं जाएं, ये एक इंसान जिम में घुसा होता है, अच्छा सोचे आप, नहीं बट वो मेरे लिए इसलिए था बिकॉज़ जिम स्ट्रेस रिलीव करता है, सो आई फील जब कम अगेन
जिम स्ट्रेस रिलीफ है। या डेफिनेटली यू गेट योर एंडोर्फिन्स फ्लोइंग। आज हमारे भी स्ट्रेस रिलीफ होता है जिम। मैं तो वहां जाके मैं सोच चीजें सोच रही होती हूं, जिम में जाके ये हो गया वो हो गया, फिर मुझे होता है मैं निकलूं यहां से काम करूं जाके। आई रियली एंजॉय रनिंग जनरली बिकॉज़ मुझे लगता है कि दैट्स द टाइम। सो इज धड़क धड़क भरक हैपनिंग इन परे हट लव इज व्हाट। मोमेंट आई रियली बिलीव आई रियली थिंक दैट यू नो एज एक्टर्स आपको अपने आप को फिजिकली इमोशनली हर किस्म से हर तरीके से ट्रांसफॉर्म करना होता है। इस रोल की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि मैं सिक्स पैक बनाऊँ। मैंने इससे पहले फिल्म की थी प्रोजेक्ट आदि जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा इंटेंसिव ट्रेनिंग की थी। उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट थी। उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर मैं लात मारूँ तो मेरी टांग इतनी ऊँची जाए। सो आई यूज टू डू स्ट्रेचेज, आई यूज टू डू MMA, जिस चीज़ को आप रेफर कर रहे हैं उस टाइम पे भी ये रैंडमली बहुत पहले की बात है। उस जमाने में मुझे वर्कआउट करना अच्छा लगता था। सो इस फिल्म की रिक्वायरमेंट नहीं थी। आसिम ने मुझे कभी बताया नहीं था कि मेरी रिक्वायरमेंट है, बल्कि उन्होंने मुझे बोला था लिसन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी परफेक्टली चिजल्ड फॉर दिस फिल्म बिकॉज आई वॉन्ट दिस कैरेक्टर टू बी रिलेटेबल। उन्होंने कहा हीरो लगो बट रिलेटेबल चाहिए मुझे ये कैरेक्टर। और उन्होंने मेरे ऊपर ये बम गिराया था एक दिन। हम लोग सीन करने वाले थे जो कि आप देखेंगे भी फिल्म में, एंड मैं आया तो मेरी प्रोडक्शन डिजाइनर हिना जो थी, मैंने पढ़ानी, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है गाइस मेरा वार्डरोब का है। तो उन्होंने मुझे एक शॉर्ट्स दे दी। ये क्या? मैंने कहा शर्ट का है। कहते शर्ट तो नहीं है। तो और आसिम की प्री प्रोडक्शन वही होती है 4 महीने पहले। उनको पता होता है कि मेरे सीन में इतनी सी नीडल है तो उसके भी ऑप्शन 4 महीने पहले होते। तो मैंने कहा अगर ये 3 महीने पहले था तो मुझे बताया क्यों नहीं। So he just surprised me randomly. But I'm sure you would have done a wonderful Obviously. job with your gym. Kitna shauk hai aapko. Matlab ye 6 mahine pe gym na karein to perfect hai. Acha hum abhi baat karte the kam bakht ki ek purane zamane ki. To ek video hai Maya ki jo pehle ho chuki but I love this video. Moment last video aapne ye kiya. I love this video. You're so cute. For moment can we see it? But moment can we take a minute to appreciate what Bilal's done? Anyhow hum baat kar rahe the purane zamanon ki. और माया की वीडियो की आई होप यू नॉट सीन इट। आई होप यू नॉट सीन इट। सब कुछ देख लिया है वो जो आपने भी नहीं देखा हुआ वो भी शोज निकाल निकाल के। आई रियली वांटेड टू सी इट बिकॉज़ आई इट्स रियली क्यूट। इसका मैंने एक एक एपिसोड देखा हुआ है। यू सीन इट ऑलरेडी? इसकी मैंने एक एक एपिसोड देखी हुई है। बट इट्स सो क्यूट। आई जस्ट लाइक द फैक्ट इट इज अमेजिंग। इट इज अमेजिंग। मेरी एक्चुअली एक दफा अच्छा माया से बात भी हुई इसके बारे में। मैंने कहा माया मुझे ये वाली माया देखनी है फिर से। आई माया वो वाली Inspiring. Achha, okay, so guys, we have this segment called Never Have I Ever. आपसे कुछ सवाल पूछूंगा and you have to drink this. इसमें से सोडा है, कुछ नहीं है, ठीक है? इसमें कोक है? नहीं, कोक जीरो है। कोक जीरो। वाह वाह वाह। Okay, so if you've done that, you drink. If you've not, you leave it. ठीक है? तो मैं थोड़ा पास करूंगा, ठीक है? आप लोग के। Oh no. Okay. So never have I ever sent a screenshot to a friend on WhatsApp just for gossiping. Never have I ever had feelings for an ex after we had broken up. Kabhi bhi nahi. Never. Once it's done, it's done. What is over is over. Okay. Never have I ever done a project just for money. No. Sirf paison ke liye. No. Oh no, what seriously? Ye kaun sa waise? You've done so less projects as ads baat yaar. Acha ads, theek theek. Never. Okay. Never have I ever given someone a fake compliment when they looked ugly. कहाँ पर होता है? फिल्म के सेट्स पर होता है कि वैसे? ये हर जगह होता है। फैमिली में भी हो सकता है। टू कहीं भी हो सकता है। शी इज थिंकिंग यस नो मे बी। शेयर सोच रहे मैंने इतनी दफा बोला मैं सारा पी जाऊं? नॉट रियली। मतलब मेरा बहुत ब्लैक एंड व्हाइट होता है। मेरे चेहरे पे लिखा होता है मुझे बंदा अच्छा लगता है। हां शेयर यार कह रहे होंगे कि ये बड़ा अच्छा दिख शक्ल बता रही होगी मैं झूठ बोल रहा हूं। ओके। नेवर हैव आई एवर सीक्रेटली वांटेड समवनस फिल्म/प्रोजेक्ट टू नॉट डू वेल। नहीं। फरिश्ते हैं सारे यहां पे। नहीं अब मुझे डर लगता है ऑनेस्टली। मुझे लगता है अगर मैं किसी के बारे में कहूंगी तो यार मेरे बारे में भी हो सकता है। ये खौफ मेरे अंदर बहुत ज्यादा मेरे अंदर कार्मा का बहुत बड़ा डर है। एंड पता है मुझे अल्लाह मियां ने बहुत टाइट लीश पे रखा हुआ है। जब भी मैं इतनी सी चलाकी करने की कोशिश करता हूं ना उसी वक्त पटक। और वाकई होता है, ये होता है, ये मेरे साथ। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट। मैं मोमेंट बता रहा हूं ये बहुत स्केरी चीज है मेरे साथ। लिटरली अगर मेरे दिमाग में इतना सा इविल थॉट आता है ना उसी वक्त कुछ ऐसे होता है कि मैं बोलता हूं शिट सॉरी गॉड।
acha never have I ever sent out a news photo khud hi media mein and then be like oh shit ye kahan se aa gayi iske liye apne galat bande baithe hain main and this is something that people do that people do that mere waise sheheryar ko ek dafa kaha to sheheryar aapki jo airport looks chahiye mujhe aise aap kahin jaye aur khade ho matlab na banda na bande ki zaat paas mein aur pictures pata nahi kahan se aa rahi hai ye to hai matlab jab aapne post bhi na ki ho khud aur kahin aur chali jaye ha main to khud post karta hu apne page pe hum log to khud kar rahe hote hain na ki spotted kahin aur aati hai ki aapne nahi ki hoti but then obviously aur wo koi event bhi nahi hota I never have ever had feelings for my co-star फीलिंग नहीं मतलब क्रश मतलब हाँ मतलब हाँ मतलब क्रश टाइप तो हाँ मतलब हो जाता है आई हैव टू आस्क हू देन Yours तो इस शेयर था ना ये गेम थी नेवर हैव आई एवर ठीक है ये गेम दिस गेम वाजंट बेयर इट ऑल तो ये लेट्स स्टिक टू ओके ओके नेवर हैव एवर प्रेस्ड सेंड तो माय पहले रिकवर कर लिया उसमें से नेवर हैव एवर प्रेस्ड सेंड And for it to regret cash shit mein na press karti send WhatsApp pe kahin par bhi kaise send press kiya kabhi okay never have I ever been heartbroken dil tod diya kisi ne bahut baar is pe to main do piunga aaye hai duniya walon acha Okay. By the way, guys, this is Coke. I will let you know that this is Coke. Thank you so much. आवाज़ चेंज होते भी सुनाई देगी नहीं भी किया होगा ना मैं अच्छा never have I ever done a project just for friendship. उनको मेरा दोस्त ही ऐसा नहीं है सिर्फ काम से दोस्ती के लिए कर लिया देखा वैसे आपके साथ काफी जुल्म हुए नहीं इसमें जुल्म की क्या बात है It's you scratch my back, I scratch yours. दोस्तों का कॉन्सेप्ट ये होता है That's what friends are for. No, but I think dosti aur professionalism aapka hona chahiye separate. Kabhi mix nahi hona chahiye. And that was our segment. Hope you guys had fun with the. Teen bajiyan वैसे भी ले. कपड़ों की बात करें. So what's the story with the turban being tied too tight in a scene? Oh. In Who told you this? Someone told me this. What happened? Wow. What happened? Oh. So वो turban जो थी वो मेरे ख्याल से कोई 50 मीटर के कपड़े की थी. ठीक है. अच्छा वो जो trailer में भी आता है. वो जो Turkey में. So it was like a big turban. Now पर उन्होंने बांध तो दी पर जो उन्होंने कस के बांधी मेरे it was as if वो you know मुझे ऐसे लगा कि किसी ने वो पुराने जमाने में नहीं होता था वो मेटल का ब्रेस और किसी टाइट कर दिया सो मुझे तारे नजर आ रहे थे दिन में तारे नजर आ रहे थे one of the reasons for that scene was that नहीं I promise यही reason था अच्छा so वो scene is it a shadi sequence because you know अब आप वो जो इंडियन एक्ट्रेस है फिल्म उन्होंने एक किया शाउट आउट किया जीना बेटी की शादी में जरूर आना जीना इज महरा सो महरा की शादी महरा लेंगे भागरी शेहरयार टर्बन सो इज दैट समथिंग इन द फिल्म ये बस इज इट अ लव स्टोरी हैपनिंग अ लव ट्रायंगल हैपनिंग महरा शेहरयार माया देयर इज अ लव ट्रायंगल देयर इज अ लव स्क्वायर बिकॉज़ शहबाज कम्स इन फॉर अ बिट एज़ वेल शहबाज आल्सो कम्स इन फॉर अ बिट इन द मिडिल एंड देन महरा कम्स एज़ वेल तुम्हारे लिए रख लूं मोमेंट तुम्हारे लिए रख लूं मैं उसको क्या क्या चाह रहे हो तो सो इट्स अ लव स्क्वायर दैट वे एंड देन बेसिकली उस लव स्क्वायर के अंदर किसकी शादी किससे हो रही है क्या हो रहा है वो तो वेट एंड वॉच सो यू नो वैसी बात करें सो यू आल्सो फेल राइट बिफोर अ शॉट इन पीर चनासी आई हैव हर्ड उसमें क्या हुआ था यार मोमिन ने रिसर्च बहुत अच्छी की है यार बहुत जबरदस्त बात है मोमिन आई वांट टू गिव यू अ राउंड ऑफ अप्लॉज आई एम सुपर इंप्रेस्ड बाय दिस गाइस रिसर्च थैंक गॉड कि सवाल वो वाले हैं जो एक्चुअली हमसे नहीं कहीं पूछे जा रहे हैं और उसके बाद मोमिन दिस इज प्रोबब्ली लाइक आवर 25th डे ऑफ प्रमोशन और समथिंग लाइक दैट नो 30th 27th डे ऑफ प्रमोशन शी इज एक्चुअली बीन काउंटिंग अच्छा एंड यू नो इतनी ज्यादा रिसर्च और क्रिएटिव सवाल I'm on. I honestly mean it. You know. Thank you so much. Hats off to you. Thank you so much. It means a lot. तो हम पीछे ना कैसे गिरी थी? कैसे गिरी थी? मैं किसी जगह जा रही थी. Like I had to use a washroom तो मैं वहाँ पे जाना था और आपको पता है कि वो जो stairs होते हैं उन घरों की वो पहाड़ों पे होते हैं तो वो सीमेंट के बने होते हैं तो मैं अपने उसमें हीरोइन मोड में आके जाना है मेरे साथ उन्होंने कहा कि कोई थी टीम के दो लड़के उनका आप ले जाए मैंने कहा अच्छा ठीक है जी मैं जा रही हूँ बारिश हुई और टक नीचे गिरी सबसे पहला मेरा ये आया कि किसी ने देखा तो नहीं देखा तो पीछे वो दोनों लड़के थे उन्होंने कहा कि ओके सही है तो मैंने कहा ओके बस अब जो होना तो हो गया जब मैं दोबारा खड़ी हुई दोबारा और दोबारा तो मैं बहुत बुरी तरह
उसके बाद बट हिम्मत है माया की उसके बाद बिकॉज पहले हमसे टू गेट टू पीर चनासी इज अ स्टीप क्लाइंब और हमसे हॉस्पिटल नियरेस्ट हॉस्पिटल बहुत दूर था एंड शी फेल्ट रियली बैडली और हमने मैंने आके माया को ये कहा कि यार सीन कॉल ऑफ करते हैं लेट्स टेक इट टू द हॉस्पिटल राइट नाउ इन्होंने भी आसिम ने भी कहा मैंने कहा नहीं क्योंकि मुझे पता होता है कि जब आप टीम आपकी पूरी ट्रैवल कर रही है और एक काम स्पेशली फिल्म का सीन होता है तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते तो ये फुल हीरो बन गए हमारे सामने कि जैसे कुछ भी दर्द नहीं हो रहा जान पे खेल के हर फिल्म तो वो भी ये था कि मुझे एक माल है आपके क्या कह सकता हूँ मैं डीप बट ही इज जोकिंग ऑब्वियसली यार बात करने की वक्त मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ और कह भी देना बट हाँ चलो इंशाल्लाह अगली फिल्म में आप नहीं गिरेंगी अगली फिल्म में मैं सब ट्रेनिंग लेकर जाऊंगी घोड़ा चलाना स्कूटर चलाना बाइक चलाना गाड़ी भगाना सब कुछ जो चीज मुझे लग सकती है मैं गिर जाऊंगी मैं नहीं करूंगी अच्छा बिफोर एंडिंग द शो जल्दी से एक क्विज करेंगे छोटा सा दिस इज द बेल फॉर यू रिंग कर दी हो तो माया होगी नहीं तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि इस तरह की अगर ऐसी सिचुएशन हुई अगर किसी ने बेल रिंग कर दी और आंसर ना पता हो ओवर एक्साइटमेंट में तो क्या होगा ओके जल्दी से कर लें क्या कर रही हो ये दिखाना चाह रही थी मैं अच्छा जल्दी से कर लें लेट्स डू जल्दी से ठीक है ओके सो नेम अ फिल्म विद स्टार्स शान एंड साइमा मजालन परफेक्ट रीमा एंड मोमराना आती है नहीं कर मोमराना मजा है रीमा एंड मोमराना चलो लेट्स वन कोई तो चाक अब तो उनकी यार कौन सी यूनिवर्सिटी दिस पहले जो थी उनकी पहली फिल्म थी उसमें जरार की हीरोइन वो है जो पिंकी मेम साहब में थी नाम पूछा उनका नाम मुझे बिल्कुल पता मैं जानता हूँ उनकी दोस्ती है मेरी मलिक नाम है दोस्ती है नाम नहीं पता देख ले किरण मलिक किरण मलिक किरण मलिक मुझे पता है ये अभी उसमें वेलकम टू कराची जिसमें वो थे अरशद वारसी थे अरशद वारसी थे उसमें कुबरा वाज देयर आई लाइक दिस हां आई डिडंट नो दैट बट आई कुड नॉट हैव गेस दैट बट गिव मी हाफ अ पॉइंट शी डिसओन्ड द फिल्म एंड देन शी जस्ट लेफ्ट द फिल्म किस बात पे नो बट शी वाज इन द फिल्म हाफ पॉइंट किस बात पे अरशद वारसी आई एम सरप्राइज्ड ही न्यू के अरशद वारसी अरशद वारसी आई न्यू दिस फिल्म सो गिव मी हाफ अ पॉइंट नाउ वन एंड हाफ ओके सो आई एम मेरी लीडर इस वक्त 1 टू 1 एंड हाफ आप जीत रहे हैं आपको पता है ना क्यों क्या मतलब मैं जीतने दे रही हूं मैं हां क्योंकि शरयार पर इसके बाद इनको हारना पसंद नहीं है बात चलें आप जीत ओके मूविंग ऑन कंप्लीट द लिरिक्स ऑफ दिस सॉन्ग ठीक है सम से आई एम स्वीटी ये तो ही है Some say I'm sweetie, some say I'm king, queen of the... Tweety? Queen of the... Beauty. Beauty. Queen of the beauty. Okay. So, ye mujhe mil gaya. Mil gaya. Two and a half. Jhanjar di Pama. Chankar. Aage.
मैं ढोलना चलो हाफ अ पॉइंट इसको ओके दिस इज अ बिट डिफिकल्ट दिल के बदले दिल दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती yes. है आई एम सरप्राइज्ड तो दिल के बदले जान भी दे देंगे ठीक है ओके दिस इज अ फेमस पाकिस्तानी सॉन्ग देखा जो मेरा जलवा देखा जो चेहरा तेरा नहीं देखा जो मेरा जलवा तो दिल थाम लोगे हु इज दिस सॉन्ग पिक्चराइज्ड ऑन गाना नहीं आता तो पिक्चराइज कहां से लाएंगे अगला बाबरा शरीफ So basically, three and a half and two and a half. हाँ, so Sheheryar wins this. Yes. Sheheryar wins. Yeah. Okay, so moving on. जल्द से sing Hai Dil Bechara थोड़ा सा. Only Sheheryar. ऐसे भी ना गाती. इतनी सारी coke पिलाने के बाद तुम. थोड़ा सा. Sorry guys. Let's sing it together. Come on. Okay. So you know the lyrics. Come on, moment sing with me. Okay. Let's all join in Maya No way. Maya B. No way. Single kavara. है दिल मेरा कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के आशिक आवारा है मन चला रखा था जो निगाहों से बचा के दिल सीधा सादा है मुश्किल इरादा हे ओ हे ओ पल ये निराला है धड़कन बेताला है ओ क्या भी इनको हमने हे और करने के लिए रखा हुआ है हाय दिल बेचारा इतना ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं करते ठीक है इतना ऊपर जाने की कोशिश ओके बट नो MashaAllah. We'll let that be. But guys, thank you so much for coming to the show. It was wonderful having you. I hope you guys had fun. Or inshallah, Parey Hut Love is coming out. By the time this comes out, it will have come out already. So well, inshallah, thank you so much for having us on your show, and best of luck to you. And can I just tell you, I've always told you this that I'm a big fan of the amount of research that you do, the kind of method that you have for the madness that you create, on social media, the method that you put behind us, I'm a fan of that. You do research karke karte ho. Thank you so much. And the biggest thing is that moment ke ha exactly research karke karte ho. And dusra hamesha se main aapse kehti aa rahi hu ki aap jo likhte hain wo actually jab main padhti hu to mujhe lagta hai ki bas ye sach hai. Thank you so much guys. Kabhi meri tareef bhi kar diya karo. Aap bhi change nahi honge. Aap bhi change nahi honge kabhi bhi kisi cheez ke liye. Nahi never. Great. Thank you so much guys and thank you so much for tuning into the Munshi Show. Like, share, comment, subscribe. You know the rest.